हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर संदीप प्रेमी, राजकीय होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी। आज हम बात करेंगे पाइल्स या हेमरॉइड्स या फिर हिंदी में मैं कहूँ तो बवासीर की। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में सभी का खान पान अनियमित हो गया है और एक्सरसाइज और व्यायाम का टाइम तो किसे मिल ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कब्ज की समस्या बहुत ही आम हो गई है, वो ग्रामीण एरिया हो या शहरी एरिया हो। ये कब्ज की समस्या ऑलमोस्ट सभी लोगों को है। तो यही कब्ज की जो समस्या है वो आगे चलकर पाइल्स का रूप ले लेती है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पाइल्स के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। पाइल्स या फिर हेमोरॉइड, ये एनल रीजन में हमारे जो खून की नलियां होती हैं, जो टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, अगर उनका इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम पाइल्स कहते हैं। पाइल्स का जो साइज है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। पाइल्स ब्लीडिंग या फिर नॉन ब्लीडिंग हो सकती हैं। अगर हम ब्लीडिंग पाइल्स की बात करें तो उस तरह की पाइल्स जिसमें खून निकलता है उसे हम खूनी बवासीर कहते हैं, ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। और जिन बवासीर के अंदर खून नहीं निकलता है उन्हें बादी बवासीर कहते हैं, इसे नॉन ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। यह पाइल्स इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की हो सकती हैं। अगर हम पाइल्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये ग्रेड फर्स्ट से लेके ग्रेड फोर तक होता है। ग्रेड फर्स्ट में वो पाइल्स आती हैं जो छोटी होती हैं, जहाँ पे इन्फ्लामेशन बहुत कम होता है। ग्रेड सेकंड के अंदर वो पाइल्स आती हैं जिनका साइज ग्रेड फर्स्ट से बड़ा होता है, यहाँ पे इन्फ्लामेशन भी ग्रेड फर्स्ट से ज़्यादा होगा और स्टूल पास करते वक्त ये गुदा से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन अपने आप ही ये अंदर भी चली जाती हैं। ग्रेड थ्री में वो पाइल्स आती हैं जो स्टूल पास करते वक्त बाहर निकल जाती हैं गुदा से, और अंगुली से इनको गुदा के अंदर डाला जा सकता है और ये इसके अलावा गुदा से बाहर नहीं आती है। इन्हें हम प्रोलैप्स पाइल्स भी कहते हैं। ग्रेड फोर में वो पाइल्स आती हैं जो गुदा से बाहर ही निकली रहती हैं, पेशेंट को एक सूजन सी महसूस होती है गुदा के आसपास। अगर हम एक्सटर्नल पाइल्स की बात करें तो जो गुदा के उत्तक हैं, बाहरी उत्तक हैं, अगर उन पे जोर पड़ने पे, कब्जी की वजह से ज़्यादा जोर लगाने से प्रेगनेंसी के समय या फिर ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से अगर उन उत्तकों का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स होने के क्या क्या कारण हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्जी रहना, क्रॉनिक डायरिया, लंबे समय से दस्त होने की बीमारी, प्रेगनेंसी के समय ये प्रेगनेंट वुमन को हो सकता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग हो जाती है, कंजेस्टेड हो जाती है गुदा द्वार, जिसमें स्ट्रेनिंग करनी पड़ती है और पाइल्स होने की समस्या रहती है। पोर्टल कंजेशन भी हो सकता है। जो लोग ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, अगर बॉडी बिल्डर बहुत ज़्यादा वेट उठाते हैं तो उसकी वजह से पाइल्स पे जोर पड़ता है। और अगर आप स्ट्रेनिंग करते हैं, स्टूल पास करते वक्त अगर आप ज़्यादा जोर लगाते हैं स्टूल को बाहर निकालने के लिए, तो ये आपको समस्याएँ हो सकती हैं। इसके अलावा ये फैमिलीज़ में भी रन करता है। अगर आपके फोर फादर्स को ये प्रॉब्लम है तो आपको होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भी पाइल्स होने की समस्या उम्र के साथ में भी बढ़ती है। अगर हम पाइल्स के लक्षण क्या हैं, इसे बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है कि आपको पाइल्स या हेमरॉइड्स हैं या नहीं है। तो इसमें जो सबसे प्रमुख लक्षण पाया जाता है, गुदा के चारों तरफ सूजन का महसूस होना, ये पेनफुल या पेनलेस हो सकता है, गुदा में खुजली चलना, चमकीले लाल रंग का खून निकलना। कुछ लोगों को ये खून थोड़ा गाढ़ा रंग का भी होता है। और इसके अलावा स्टूल पास करते वक्त अगर पेन है तो भी आपको संभावनाएं हैं कि आपको पाइल्स की समस्या हो सकती है। यहाँ पे हमें रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको पाइल्स है, फिशर है या फिस्टूला है या पाइनोनिडल साइनस है। तो ये भी तीन चार बीमारियां और भी चलती हैं साथ साथ में जो पाइल्स की वजह से आपको हो सकती हैं। अब हम पाइल्स का डायग्नोसिस किस तरह से करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एज के बढ़ने के साथ में ये समस्या बढ़ती है, और अगर आपके फोर फादर्स को, दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामा को अगर ये प्रॉब्लम है तो आपको ये समस्या हो सकती है क्योंकि ये फैमिलीज में रन करती है। अगर आपको गुदा द्वार से ब्लड या म्यूकस आ रहा है
तो आपको हो सकता है कि आपको पाइल्स का प्रॉब्लम हो। इसके अलावा डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होता है प्रोक्टोस्कोप से, उसमें हम ये देखते हैं कि आपको इंटरनल पाइल है या फिर एक्सटर्नल पाइल है, उसका इन्फ्लामेशन कितना हो चुका है, वो कौन से ग्रेड में आ चुकी है, या फिर उसके साथ में आपको पाइल्स, फिशर, फिस्टूला, पाइलोनिडल साइनस, इनमें से तो कोई समस्या है या नहीं है। इसके लिए हम कोलोनोस्कोपी भी करते हैं, जिसमें हम कोलोनोस्कोप से ये देखते हैं कि आपको किस तरह की पाइल्स है। अब हम बात करते हैं कि पाइल्स की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आपको ब्लीडिंग पाइल्स है तो उसकी वजह से रक्त की कमी या फिर एनीमिया आपको हो सकता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, एनल फिस्टूला बन सकता है। एनल फिस्टूला में ये होता है कि गुदा के अलावा एक और ट्रैक्ट बन जाता है, जिसमें से जो पस, म्यूकस या फिर ब्लीडिंग निकलता रहता है। इसकी वजह से आपको स्ट्रेंगुलेटेड हेमरॉइड्स भी बन सकती है। स्ट्रेंगुलेटेड हेमरॉइड्स वो होती हैं जो गुदा से बाहर निकली रहती हैं, उनके अंदर ब्लड की सप्लाई ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से इसका एक कॉम्प्लिकेशन है कि ब्लड क्लॉट बन जाता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक थेरापेटिक की, तो जो सबसे फर्स्ट मेडिसिन है वो है एस्कुलस। एस्कुलस उन मरीजों को दी जाती है जिनको, अगर आपको महसूस होता है कि गुदा के अंदर कुछ तिनके से रखे हैं, आपको स्टिंगिंग पेन होता है, तो एस्कुलस आपके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये जो क्रॉनिक डायरिया जिनको रहता है उनमें बहुत अच्छा काम करती है ये मेडिसिन। और इन जनरल भी आप एस्कुलस 30 पोटेंसी को दिन में 2 बार 3 बार 1/4 कप पानी में ले सकते हैं। दूसरी मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा। अगर आपको हार्ड स्टूल रहता है तो आप ब्राइनिया एल्बा 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं 1/4 कप पानी में। कोलन सोलिया, इसका जो नाम है वो थोड़ा मिट गया है क्योंकि मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। अगर कॉन्स्टिपेशन है आपको तो ये ब्लाइंडली आप यूज़ कर सकते हैं। कोलन सोलिया 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 ड्रॉप्स थोड़े से पानी के साथ में आप इसे ले सकते हैं। एपिस मेलिफिका, अगर आपको गुदा में स्टिंगिंग पेन रहता है और इसके साथ में सूजन भी आ गई है और आप थ्रस्टलेस हैं, पानी की प्यास नहीं लगती है, तो आप एपिस मेलिफिका 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार यूज़ कर सकते हैं। एसिड नाइट्रिकम 30 पोटेंसी में, अगर आपको गुदा में पेन है तो आप इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार लीजिए, ये आपको बहुत ही अच्छा फ़ायदा देगी। आर्सेनिकम एल्बम 30 पोटेंसी में, आप देख रहे होंगे मेरे पास ये बड़ी बॉटल्स ही हैं तो मैं इनको भी बहुत ज़्यादा यूज़ लेता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है पाइल्स में। आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में, अगर आपको गुदा में बर्निंग है, जलन सी महसूस होती है, आपसे बैठा ही नहीं जाता है, तो आप आर्सेनिक एल्बम की 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। अगर आपको इंडाइजेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है और आप सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, आपका ज़्यादातर काम जो है वो बैठे रहने का ही है, आप फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, तो आप नक्स मोमिका 30 पोटेंसी में 2 बूंद रोजाना रात को ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये मेडिसिन आपको सिर्फ रात को ही लेनी है, इसे सुबह दोपहर शाम नहीं लेना है, 2 बूंद रात को। अगली मेडिसिन है एलोज सोकोट्रीना। अगर आपको बार बार स्टूल पास होता है, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है कि पेशेंट बार बार स्टूल जाता है, कुछ खाते ही उसे पखाना लग जाता है, जो क्रॉनिक डायरिया वाले पेशेंट हैं उनको हम एलोज सोकोट्रीना 30 पोटेंसी में 2 बूंद दिन में 3 बार देते हैं। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है, तो मैं उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन आपको बता रहा हूँ। इस मेडिसिन के अलावा और आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ध्यान से सुनिए जो मेडिसिन बता रहा हूँ मैं आपको। हेमामेलिस वर्जिनिका 200, फॉस्फोरस 200, ये दोनों मेडिसिन आपको मिलाकर यूज़ करनी है 2-2 बूंद दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम। अगर आपको खूनी बवासीर है, खूनी बवासीर से मेरा मतलब है अगर आपको गुदा से खून आता है, आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, तो आपको ये मेडिसिन लेनी है और ये मेडिसिन 100% इफेक्टिव है, आपका खून गिरना 2 या 3 दिन में बंद हो जाएगा। ये रथानिया का मदर टिंचर है। अगर आपको गुदा में पेन है तो इसकी
10 10 बूंद आप दिन में 3 बार लीजिए, 1/4 कप पानी के साथ में, आपका पेन बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही जांची परखी मेडिसिन है मेरी और मैं ऑलमोस्ट सब पेशेंट में इसको यूज करता हूँ और इसके बहुत बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर 200। अगर पाइल्स की समस्या अनहाइजेनिक रहने की वजह से आपको हुई है, साफ सफाई बहुत कम रहती है, अनहाइजेनिक कंडीशन में आप रहते हैं, तो आप सल्फर 200 की एक डोज सुबह सुबह लीजिए। करीब ये 5 दिन आपको मेडिसिन लेनी है, उसके बाद में इसे बिल्कुल बंद कर देना है। और वैसे तो आपको 5 दिन में ही इम्प्रूवमेंट नज़र आ जाएगा, अगर फिर भी आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता है तो 7 दिन बाद में आप दोबारा से इसकी एक डोज लीजिए, ये मेडिसिन आपको टोटली क्योर कर देगी। इसके अलावा मैं एक मेडिसिन की और बात करना चाहूँगा जो कि एक पेटेंट मेडिसिन है, ये पाइल्स ड्रॉप है, इंडो जर्मन कंपनी का। आप अगर इसकी बात करें तो 15-15 बूंद दिन में 4 या 5 बार 1/4 कप पानी के साथ में ले सकते हैं। अगर आपको इन मेडिसिन को समझ में नहीं आ रहा है और आप एक बार रिलीफ लेना चाहते हैं तो आप ये मेडिसिन लीजिए। इसके अलावा एक क्रीम आती है हेप्टको कंपनी की, पायलोडेक्स, आप उसे लोकल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं जिसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हैं फ्रेंड्स। तो आप इन मेडिसिन को यूज़ करिए और कमेंट में मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आपको इनका क्या इफेक्ट पड़ा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा कि जिससे हमारे जो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या खाना है पाइल्स के प्रॉब्लम में, क्या नहीं खाना है, सिट्स बात क्या है, कीगल एक्सरसाइज किस तरह से करनी चाहिए और कौन से योगाज हैं जो हमें पाइल्स की बीमारी से निजात दिला सकते हैं। तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो को भी वॉच करें क्योंकि पाइल्स जैसी प्रॉब्लम ऐसी हैं जो मेडिसिन खाने से नहीं जा सकती हैं। इसके लिए आपको डाइट पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। काफ़ी सारे हमारे पेशेंट ऐसे हैं जो मेडिसिन लेते हैं और उनको बहुत ज़्यादा आराम भी आता है, ऑलमोस्ट क्योर भी हो जाता है, लेकिन वो अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे पाते हैं तो जिसकी वजह से उन्हें रिकरेंसी भी हो जाती है होम्योपैथी मेडिसिन लेने के बावजूद। तो आप डाइट को फॉलो करें और डाइट क्या है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक डाला है, उसे आप देखिए और अपनी जीवन शैली में अपनाइए। तो दोबारा मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू।